सोमवार को इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। आईडी अध्यक्ष के मुताबिक योजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद भोपाल भेजा जाएगा और संभावना है कि जून माह से प्राधिकरण इन कार्यों की शुरुआत कर देगा। इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। बैठक में आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उक्त मीटिंग में शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें लंबे समय से 5 योजनाएं टलती जा रही थी, उन योजनाओं को लेकर स्वीकृति बन गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 और TPS 8 पर प्राधिकरण लंबे समय से कार्य कर रहा है, लिहाजा स्वीकृति मिलने के बाद इन योजनाओं पर जून माह से प्राधिकरण कार्य करने की स्थिति में आ सकता है। साथ ही इन योजनाओं को लेकर 700 आपत्तियां भी आई थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है। फिलहाल शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इंदौर शहर में यातायात को लेकर के जो समस्या दिखाई दे रही है, तो अभी प्राधिकरण ने जितने ओवरब्रिज बनाना है उनमें से खजरानों को लेकर के आज प्रस्ताव पारित किया है। गेर योजना मध्य में होने से बोर्ड उसकी स्वीकृति देती है, आज उसकी स्वीकृति हो गई है और जल्दी से उसके टेंडर लगने वाले हैं। साथ ही नामकरण भी किया गया है बस स्टैंड का, जो टंटिया जो आईएसबीटी जो हमारा MRTM पर कुवेडी में बन रहा है, बस स्टैंड बन रहा है, इस देश को स्वतंत्र कराने में जिन महापुरुषों ने प्रमुख योगदान दिया है और भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है, ऐसे जनजातीय जिनको भगवान माना जाता है, हम भी जिनको भगवान का स्वरूप मानते हैं, ऐसे टंट्या भील के नाम से उसका नामकरण करने की मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। वो कार्य तो प्रशासन का, किंतु बोर्ड ने आज इसके बारे में प्रस्ताव पारित किया। TPS की योजनाएं भी आपके द्वारा जो है लागू की गई है, तमाम योजनाएं, तो किस तरह से वो काम करेगी, कितना बजट है उसके लिए? 1700 हेक्टेयर में करीब 1200 करोड़ का बजट है और आज उसकी स्वीकृति हुई है। जैसे प्रदेश से स्वीकृति होकर आएगी उसको जमीन पर काम दिखाई देने लगेगा। क्या उम्मीद करें कब तक इस पर काम शुरू हो जाए? जून के बाद वो जमीन पर दिखाई देने लगेगा। जिनको प्लाट मिलना है वो प्लाट आवंटित हो जाएंगे। आईडी का काम भी वहाँ दिखने लगेगा। तमाम जो शिकायतें थी उनका सबका निराकरण, सारा मेरे काम। कुछ लोगों का कहना है कि वो न्यायालय भी जा सकते हैं। अभी तो ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। जितने किसान आए थे, करीब 700 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी, उन 700 आपत्तियों को लगभग सभी की आपत्तियाँ का निराकरण हो चुका है। आईडी की 5 लोगों की टीम बनी हुई थी और इसके बाद भी कुछ बातें होगी तो बैठ करके उसको हल करेंगे। ऐसा कोई विषय अभी तक आया नहीं, कोई न्यायालय में जाने वाला।